शपथ ग्रहण यहां पर शामिल होते हुए अपना शपथ यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर बीजेपी ने मोर्चा मारा और अब बीजेपी के जो नए नवेले विधायक हैं जिनके कंधों पर यह नई जिम्मेदारी आई है, वो शपथ के तौर पर इस जिम्मेदारी को लेकर अपनी निष्ठा यहां पर दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह से आपको दिखा रहे हैं। सतीश महाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तमाम नए विधायक शपथ लेते हुए, तो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं, नए विधायकों को यह शपथ दिलाई जा रही है। तो बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिनमें 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान जो डेंट बीजेपी को लगा था वो डेंट भी कहीं ना कहीं से हील हुआ है। इस वक्त बीजेपी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है उनका मनोबल भी यहां पर बूस्ट हुआ है। और देखिए चेहरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुस्कान, क्योंकि इस उपचुनाव में जो पूरा दारोमदार था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था और यही वजह है कि उन्होंने हर एक सीट पर 2 से 3 जनसभाएं यहां पर की, लोगों के बीच वो गए और जनता से अपील की। और देखिए मुख्यमंत्री की अपील का असर भी नजर आया और जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए। तो देखिए अब शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित, स्पीकर सतीश महाना शपथ यहां पर तमाम विधायकों को दिलाते हुए। हमारे माननीय सदस्य जो जीत कर आए हैं, तो बाई इलेक्शन में मैं इस बात को कहता हूं कि बाई इलेक्शन सिर्फ अगले कुछ दिनों के लिए काम करने का अवसर होता है। तो ये जो आपके पास 2 साल 2.25 साल का समय है, 2.5 साल का, इसमें आपको जनता के बीच में रहना है और विधानसभा में सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। मेरे को इस बात के लिए गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछते हैं कि विधानसभा में कौन कौन बोला कौन कौन नहीं बोला, मैं उनकी लिस्ट उनको देता हूं। पहले होता था कि 5-5 साल 2-2 तर्म 3-3 तर्म निकल जाते थे, कोई बोलता नहीं था। आपको जानकारी होगी जिस समय मैंने महिलाओं का एक दिवस आरक्षित किया था मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, तो एक माननीय सदस्य जो चौथी बार जीत कर आई थी पहली बार विधानसभा में। तो सीधी तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह से आपको दिखा रहे हैं। सतीश महाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तमाम नए विधायक शपथ लेते हुए, तो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं, नए विधायकों को ये शपथ दिलाई जा रही है। तो बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिनमें 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान जो डेंट बीजेपी को लगा था वो डेंट भी कहीं ना कहीं से हील हुआ है। इस वक्त बीजेपी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है उनका मनोबल भी यहां पर बूस्ट हुआ है। और देखिए चेहरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुस्कान, क्योंकि इस उपचुनाव में जो पूरा दारोमदार था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था और यही वजह है कि उन्होंने हर एक सीट पर 2 से 3 जनसभाएं यहां पर की, लोगों के बीच वो गए और जनता से अपील की। और देखिए मुख्यमंत्री की अपील का असर भी नजर आया और जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए। तो देखिए अब शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित, स्पीकर सतीश महाना शपथ यहां पर तमाम विधायकों को दिलाते हुए। हमारे माननीय सदस्य जो जीत कर आए हैं, तो बाई इलेक्शन में मैं इस बात को कहता हूं कि बाई इलेक्शन सिर्फ अगले कुछ दिनों के लिए काम करने का एक अवसर होता है। तो ये जो आपके पास 2 साल 2.25 साल का समय है, 2.5 साल का, इसमें आपको जनता के बीच में रहना है और विधानसभा में सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। मेरे को इस बात के लिए गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछते हैं कि विधानसभा में कौन कौन बोला और कौन कौन नहीं बोला, मैं उनकी लिस्ट उनको देता हूं। पहले होता था कि 5-5 साल 2-2 तर्म 3-3 तर्म निकल जाते थे, कोई बोलता नहीं था। आपको जानकारी होगी जिस समय मैंने महिलाओं का एक दिवस आरक्षित किया था मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, तो एक माननीय सदस्य जो चौथी बार जीत कर आई थी पहली बार विधानसभा में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।